हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा शानदार और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर डिलीशियस से अंडा टिक्का मसाला की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे एकदम नए और अनोखे अंदाज में झटपट 10 मिनट में। चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, चाहे लंच हो, हम ये अंडा टिक्का मसाला आसानी से अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, चाहे हमारे घर कोई मेहमान आए तो। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में जो है तो हम 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल डालेंगे, लगभग 150 ग्राम। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की अनियन को हमने चॉपर में चॉप करके, देखिए एक डब्बे में डाल कर रखा था, ये हम डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और सौते करेंगे। अब ये जब तक के फ्राई होता है तो इसे स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इसका एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए जो है तो 8 से 10 कलियाँ लहसुन की लेंगे, थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, 4 से 5 जो है तो हरी मिर्च लेंगे, एक बड़े साइज़ का टोमेटो लेंगे। इसे अच्छे तरीके से पीस कर रेडी कर लेंगे। एक मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस कर रेडी कर लेंगे। अब देखिए पीस कर हमने रेडी कर लिया ये मसाला। जब तक हमारा रेडी हुआ ये मसाला तो हमारी अनियन भी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, इसे हमने स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया था। देखिए बढ़िया तरीके से ये ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें जो हमने मसाला पीसा है टोमेटो वाला, वो भी डाल देंगे। देखिए इस तरह से इसे भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। जो टोमेटो होता है ना उसमें थोड़ा सा वाटर होता है ना, तो वाटर को पकने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने यहाँ तक की रेसिपी देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तंदूरी टिक्का मसाला जो है ना, तो इसलिए हमें लाल कलर का थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि जो इसकी प्याज है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। जब तक ये मेल्ट ना हो तब तक हमें भूनते रहना है, तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। ताकि इसमें जो है तो बढ़िया तरीके का टेस्ट आ जाए। जब तक इसे हम स्लो फ्लेम पर भूनने के लिए रखते हैं, तब तक यहाँ पर देखिए हमने 8 अंडे ले लिए। अंडे को देखिए इस तरह से हमने कट कर लेना है, सारे अंडों को कट कर लेना है इस तरह से। एक अंडे के 2 पीसेस हमें करने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सारे अंडे कट कर लिए हैं। अब इस अंडों के ऊपर जो है ना तो हम लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये जो टमाटे हरी मिर्च वगैरह दिख रही है ना, इसका मसाला मैंने आपको बता दिया है। मैंने जब अंडे पर ये स्प्रिंकल करा था वो मसाला इसी में था, तो ये निकाल कर मैंने पीस लिया था। तो अब ये डबल से ये मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है तो लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद में थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें स्प्रिंकल करेंगे और इसे लगा कर रख देंगे, ताकि अंडे के अंदर ये दोनों भी मसालों के थोड़े थोड़े फ्लेवर आ जाए। और अंडे को हमने नमक डालकर ही बॉईल किया था, तो इसमें नमक डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा मसाला भुने जाता है तो ये अंडों को भी जो है तो थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे। अब जो है तो एक पैन रखेंगे। पैन पे आप बटर ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए, इसे अच्छी तरीके से गरम कर लीजिए। इसमें अंडे डाल देंगे, तो अंडे को जिस तरह से मसाला लगा हुआ है ना, तो उस तरह से उल्टा करके हमें डालना है, ताकि जो है तो अंडे को मसाला अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो इसी तरीके से सारे अंडे जो है तो हम पैन में डाल देंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के जो है तो सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है तो अंडे अच्छी तरीके से फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। अब इसे अलट पलट कर लेंगे, यानी पीछे से भी फ्राई कर लेंगे। इतनी बढ़िया इसकी खुशबू आने लगी थी, तो इस तरह से एक बार अंडा टिक्का मसाला ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे।
तो देखिए सारे अंडों को इसी तरीके से हम जो है तो सही कर लेंगे। हल्के हाथों से हमें सीधे करना है, क्योंकि अंडे के अंदर की जो गोली यानी जो गोली होती है ना, वो बहुत ही नाजुक होती है, वो टूटने का डर होता है। और अंडे टिक्का मसाला का मज़ा ही वो है, अगर इसकी गोली निकल के अलग हो जाएंगी तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा। तो देखिए सारे अंडों को हमने सीधा कर लिया है, अब इसे उल्टे साइड से भी जो है तो अच्छी तरीके से पका लेंगे हम। 5-5 मिनट पकाना है, 5 मिनट पहले इस साइड से पकाना है, फिर उस साइड से पकाना है। तो ये हमारे अंडे रेडी हो चुके हैं, गैस का फ्लेम जो है तो हमें बंद कर देना है और अंडे को ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। अब यहाँ पर हमने मसाला ढक करके रखा था पकने के लिए, वो भी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए मसाला भी बढ़िया तरीके से हमारा भून चुका है, इसमें पानी डालकर हमने भुना था ना, ताकि इसकी अनियन अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो बढ़िया तरीके से हमारी अनियन मेल्ट हो चुकी थी और ये जो है तो कढ़ाई के तले को लगने लगा था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कप दही लेंगे। दही को जो है तो हमने हैंड व्हिप से अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, यानी दही को एकदम लस्सा कर लिया है। फिर हम डालेंगे, कभी भी कोई भी ग्रेवी हो, चाहे ये हो या कोई भी सालन हो, तो आप जो है तो दही को पहले मिक्स कर ले, पहले फैट ले और फैटने के बाद में दही इसमें डालें, वरना कोई भी ग्रेवी जो है तो दही से फट सकती है। तो इस बात का ज़रूर से आप ख्याल रखिएगा। अब दही डालने के बाद में उसमें खुद का एक मॉइस्चर होता है, तो उसमें इसे पकने देंगे। नमक डालेंगे, क्योंकि हमने शुरू से अभी तक इसमें नमक इस्तेमाल ही नहीं किया था। 1 टीस्पून नमक डालें। अब दही के मॉइस्चर में भी इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो बढ़िया तरीके से ये पक चुका है और देखिए देखने में आपको लग रहा है इसने जो इतना भी ऑयल है वो भी रिलीज कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 कप। अगर आपको रस्से वाला जो है तो ये अंडा टिक्का मसाला चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डालें, लेकिन जो अंडा टिक्का मसाला होता है ना, ये भुना भुना होता है, तो इसमें हमने 1 कप पानी डालना है। तो ये पकते पकते जो है तो एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। अब देखिए इसमें 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी को हमने हाथों से क्रश कर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से हमने पकने देना है और मिक्स कर लेना है। अब देखिए हमारा जो है तो मसाले का कलर कितना अच्छा आया है, क्योंकि हमने इसमें कस्तूरी मेथी डाली, इसमें कोई हमने आर्टिफिशियल कलर वगैरह नहीं यूज़ किया है। अब इसमें एक एक से अंडे डाल देंगे सारे। तो देखिए धीरे धीरे हमें एक झारे में अंडे लेना है और धीरे धीरे ऊपर छोड़ना है इसे, इसके अंदर की जो गोटी है वो निकलना नहीं चाहिए। इस तरह से जो है तो हमने सारे अंडे डाल देना है, हमने पूरे सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब एक स्पेचुला से थोड़े से नीचे ऊपर करेंगे, थोड़े सा मसाला इसे लगना चाहिए ना, जो हमारी ग्रेवी है। तो ये पकते भी रहेगा मीडियम टू लो फ्लेम पर, और हम इसे देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हटाते भी रहेंगे और मसाला इसमें करते भी रहेंगे। अंडों को सीधा ही रखना है हमें, थोड़ा सा गिरने नहीं देना, क्योंकि इसकी गोटी नीचे निकल जाएंगी ना तो वो फिर हमारे मसाले में मेल्ट हो जाएंगी और वो अलग ही टेस्ट आता है उसका। तो इस बात का ज़रा सा ख्याल रखिए, इस तरीके से आप अंडे का जो है तो टिक्का मसाला ज़रूर बनाइएगा। अभी इसमें जो है तो ग्रेवी दिख रही है ना, जैसे जैसे ये अंडा मसाला पकते जाएगा वैसे वैसे इसकी ग्रेवी ख़त्म होते जाएंगी। अभी इसे हमने ढक दिया था 10 मिनट के लिए, 10 मिनट हो चुके थे। देखिए कितना ज़्यादा शानदार ये पक चुका है। बढ़िया तरीके से ये पक चुका है। अब ये जो है तो हमारा अंडा टिक्का मसाला परफेक्टली कुक हो चुका है, परफेक्टली रेडी हो चुका है और एक भी अंडे की जो गोटी है ये बाहर नहीं निकली। देखिए जैसे कि वैसे हमारे अंडे हैं। तो अब एक सर्विंग डिश में भी हम निकालेंगे तो आपको बताएंगे कि एक भी जो है तो गोटी नीचे गिरी नहीं है, कि जो है तो हमारे मसाले में मेल्ट नहीं हुई, एग्जैक्ट जैसी हमने डाली थी बस उसी तरीके से। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरीके की मसाले की कंसिस्टेंसी है हमारी, और बढ़िया तरीके से हमारा मसाला जो है तो बन चुका है। अब ये जो है तो हमारा रेडी है, गैस का फ्लेम जो है तो हम बंद कर देंगे और एक सिंपल सी प्लेट में इसे निकाल लेंगे। भले प्लेट सिंपल हो लेकिन अंडे देखकर सारों
जितने भी घर पर हमारे लोग हैं ना, तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा और फटाफट सब खाने के लिए बैठ जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि हम अंडे का सालन नहीं खाते या अंडा मसाला नहीं खाते, क्योंकि एकदम न्यू है ये। इसके ऊपर से धनिया पत्ता डालेंगे, देखिए देखने में क्या लाजवाब लग रहा हो। तो अगर आपको रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।